श्री राजीव सत्व। धन्यवाद सभापति जी। मनरेगा के डाइल्यूशन के इस चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब मनरेगा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सभापति जी, तो इस संसद को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और यूपीए की चेयरमैन सोनिया जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी और आम जन केंद्रित योजना मनरेगा की शुरुआत और उसको कानूनी अधिकार देने का काम यहाँ पर हुआ है। वैसे नरेगा की बात जब हम करते हैं, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, नरेगा की सबसे पहली अगर शुरुआत कहीं हुई हुए तो महाराष्ट्र में इसके बारे में शुरुआत हुई थी। और पिछले 7 महीने में ये सरकार नरेगा के बारे में कितनी सीरियस है, ये अगर देखना है तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हमने 3 मंत्री देखे। गोपीनाथ मुंडे जी हम सबके बीच में आज नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी जी और अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 30 जुलाई को सर आपको हम बहुत सालों से देख रहे हैं। सर 30 जुलाई 2014 को नहीं, हमको दोनों रूप पता है। 30 जुलाई 2014 को मनरेगा के बारे में इस सदन में चर्चा हुई। सभापति जी, नितिन गडकरी जी ने उसमें जवाब दिया, कुंवर भरतेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर थॉमस जी, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और उसमें नितिन गडकरी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इस योजना को हम कभी भी अड़चन में आने नहीं देंगे। लेकिन हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, हुकुमदेव जी का हम भाषण सुन रहे थे। वैसे ये चर्चा पिछले 10 दिन से चल रही है, 9 दिसंबर से आज 18 दिसंबर आया है, तो सरकार कितनी गंभीर है इस चर्चा के बारे में ये भी इससे दिखता है। हमारे वरिष्ठ सदस्य जो सभापति तालिका पर होते हैं तो बड़े सबको साथ लेकर सबको संभाल कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भाषण को उन्होंने बड़ा अवधि दिया। हुकुमदेव जी ने भाषण उस वक्त दिया था और उन्होंने कहा था ये कोई भगवान नहीं है, इसको पूरा बदलना चाहिए। और जब हमारे वरिष्ठ सदस्य ये बात करते हैं तब कहीं ना कहीं लगता है कि सचमुच ये सरकार यू टर्न की सरकार है, ये सरकार जो कहती है वो ये सरकार करती नहीं है। गडकरी जी ने आश्वस्त किया था कि इस योजना में गांव स्तर पर 60-40 का रेशो नहीं होगा, वो रेशो जिला स्तर पर होगा। आज सुबह भी हमने महाराष्ट्र हो, आसाम हो, बंगाल हो, यहाँ के अफसरों से बात की, वहाँ के सभी नेताओं से बात की, आज तक उसके बारे में कोई आदेश इस सरकार ने नहीं निकाला। आदरणीय गडकरी जी ने उस वक्त कहा था कि यूपीए के सरकार ने सभी अधिकार अपने पास रखे हैं, हम राज्यों को ज़्यादा अधिकार देना चाहते हैं। पिछले 5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं कि राज्यों को ज़्यादा अधिकार कब आएंगे। कोई राज्यों को ज़्यादा अधिकार नहीं आए, बल्कि जो अधिकार है वो अधिकार भी पूरी तरह से ये यूज नहीं करने दे रहे। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि शिरपुर पैटर्न, जो महाराष्ट्र का हमारा बड़ा फेमस शिरपुर पैटर्न है वाटर कंजर्वेशन के लिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। वाटर कंजर्वेशन के इस शिरपुर पैटर्न के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ, 5 महीने उस डिस्कशन को हुए अध्यक्ष। भ्रष्टाचार को रोकने की बात उस वक्त उस डिस्कशन में हुई थी और उस वक्त गडकरी जी ने कहा था कि हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे। 5 महीने उस आपने जो चर्चा में आपने आश्वस्त किया था सदन को, 5 महीने हो गए। अगर रिमोट सेंसिंग का आपने इस्तेमाल किया है, आपने कहा था रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल से हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, कितने मामले भ्रष्टाचार के बारे में सामने आए, हर राज्य में कितने आए, कितने लोगों को इसका फायदा मिला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर 51 और 49 का रेशो करने के बारे में आपने उस वक्त कहा था, 9% आप मजदूरों का पैसा इससे छीनने जा रहे हैं, क्या इसके लिए नया एलोकेशन आप देने की दिशा में कुछ सोच रहे हो क्या, ये भी आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने 2010 में राज्यसभा में कहा था कि ये योजना बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा था 2012 में कि इन्होंने
इस योजना ने काम के बदले नकद वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना बताया था और उसकी तारीफ की थी। क्या सुषमा जी ने कहा था, क्या लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था ऐसे बारे में, ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने जो बात कही थी, क्या इसको सरकार बदलना चाह रही है? क्या सुषमा जी और आडवाणी जी ने कहा था इसके बारे में, कहीं ना कहीं सरकार यू टर्न लेने के बारे में सोच रही है क्या? ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। परसों हमारे बंगाल के सदस्य ने बात की, उन्होंने कहा कि हमें एलोकेशन मिला नहीं है। आसाम में हमने पूछा, आसाम में एलोकेशन मिला नहीं है। आप कह रहे हो कर्नाटक में पैसा मिला नहीं है, और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का तो दुख हम कहाँ बताएं, समझ में नहीं आ रहा। पिछले डेढ़ दो महीने से 500 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमने मांग की थी कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनके खेत पर भी मजदूरों के लिए नरेगा के माध्यम से आप मदद कीजिए। मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इतना ही कहना है कि सरकार जिस प्रकार से इस योजना को 200 जिलों तक लागू करना चाह रही है, ये गलत है। ये पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए, ये पूरे देश के लोगों का अधिकार है। और इसलिए अध्यक्ष जी आपसे माध्यम से जब हम ये बात रख रहे हैं, और सरकार से हम पूरा आश्वासन चाहते हैं कि राज्यों को पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला। सितंबर की अगर हम आंकड़ेवारी लेते हैं तो 45% कम पैसा आपने राज्यों को दिया है, 45% से कम पैसा सितंबर के हिसाब में राज्यों को मिला है। कई सारे राज्य पैसे मांग रहे हैं, आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो। और इसलिए मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात यहाँ पर आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जनधन योजना लाई, सरकार ने जनधन योजना लाई, पूरे जनों ने खाते खोले और धन के इंतज़ार में हम पिछले कई महीनों से बैठे हैं। 15 लाख कब आएगा और हम सबके खाते में पैसा कब जमा होगा पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, 1 रुपया जमा नहीं हुआ। उसके बाद आपने सांसद आदर्श योजना लाई, सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए 1 रुपये का बजट नहीं दिया। आपने कहा राज्यों के साथ काम करके समाप्त करें राजीव जी, और राजीव जी उसके बाद एक मिनट अध्यक्ष, एक ही मिनट। उसके बाद आपने स्वच्छ भारत योजना लाई, वो स्वच्छ भारत योजना आप झाड़ू तो लगा रहे हो लेकिन स्वच्छ भारत करने के लिए क्या आपके पास उसके लिए कोई बजट का प्रावधान है? कोई बजट का प्रावधान नहीं है, यानी जनधन में बजट का कोई प्रावधान नहीं, आपके पास सांसद आदर्श ग्राम योजना में बजट का कोई प्रावधान नहीं, स्वच्छ भारत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पिछले 6 महीने से भारत के लोगों ने अच्छे दिन के सपने देखे, अच्छे दिन ना उनको दिखाई दे रहे हैं, ना यहाँ तक हालत बिगड़ी है कि रातों की नींद भी लोगों की गायब हुई है। इसलिए मुझे आपके माध्यम से आखिरी बात कहना चाहूँगा, इसलिए सपनों के सौदागर बनी हुई इस मोदी सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि मनरेगा से माध्यम से गरीबों को मिलने वाला निवाला तो कम से कम अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।